जबलपुर नाम के गांव में दो दोस्त विक्रम और सुनील किराए पर रहते थे। गांव में कोई सिनेमा नहीं था। सिनेमा देखने के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता था, जिस कारण सिनेमा से लौटने में अक्सर रात हो जाया करती थी। एक बार जब विक्रम और सुनील सिनेमा देखकर घर लौट रहे थे कि रास्ते में, अरे तू किस रास्ते जा रहा है? हमें तो इस रास्ते जाना चाहिए ना। ऐसे ही बहुत रात हो गई है और ज्यादा रात हो गई तो मकान मालिक डांट लगाएगा, इसलिए मैं छोटा रास्ता ले रहा हूँ। कहीं छोटे रास्ते के चक्कर में हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। तू जानता नहीं है क्या, उस रास्ते में एक पार्क पड़ता है, लोग कहते हैं वो भूतिया है। रात को वो चुड़ैल वहाँ झूला झूलती है। इतनी रात को वहाँ से जाना सही नहीं होगा। ये तो तूने बड़ी दिलचस्प बात बताई है, मैं भी देखना चाहता हूँ झूला झूलती हुई चुड़ैल कैसी लगती है। अगर पसंद ना आए तो वापस घर चले जाएंगे, नहीं तो उसके साथ झूला झूलेंगे। अब यही बातें करते हुए रात कर देगा क्या? जल्दी चल, वरना मकान मालिक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों पार्क के गेट के आगे पहुँचते ही है कि पार्क के बगल के एक पेड़ का मोटा सा डाल टूट कर उनके सामने आकर गिर पड़ता है। देखा देखा ना सुनील, मैंने पहले ही कहा था यहाँ आना सही नहीं है, रात को इस पार्क के पास जाने को शुभ नहीं मानते। तो बिल्कुल पागल है, पुराने पेड़ है, डाली टूट गई होगी। अचानक बहुत जोर की हवा चलने लग जाती है। पार्क का दरवाजा जो बिल्कुल जर्जर लोहे का होता है वो जोर जोर से खुलने बंद होने लग जाता है। दरवाजा अचानक खुला रह जाता है। वो लोग क्या देखते हैं कि अंदर एक लड़की झूले पर झूल रही होती है। दो लड़कियां वहां खेल रही होती हैं और वहीं जमीन पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, वो कुछ खा रही होती है। आओ अंदर आओ बेटा। तू इसे पार्क कह रहा था? पूरे पार्क में बस एक ही झूला है और ये लड़कियां जरूर इस बूढ़ी दादी माँ की पोतियां होंगी। लोग तो बेकार में अफवाह फैलाते हैं, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। अंदर मत जाना सुनील। सुनील नहीं मानता और अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे विक्रम को भी अंदर जाना पड़ता है। इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं दादी अम्मा? मैं तो यही रहती हूँ, यहाँ के सारे लोग मेरे दोस्त हैं। तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, आओ तुम लोग भी मेरे साथ खाना खा लो। विक्रम क्या देखता है कि पीछे झूले पर झूल रही लड़की तिरछी नजर से विक्रम को देखती है। देखते ही देखते वो बिल्कुल ओझल हो जाती है और अचानक ही विक्रम के बिल्कुल सामने आकर कहती है, शिकार मिल गया माँ। ये आपकी पोती क्या कह रही है और किसे शिकार मिल गया? हमें कुछ नहीं खाना दादी अम्मा, अगर ऐसा ही है तो आप अपने खाने को एक पोटली में बांधकर हमें दे दीजिए, हम घर जाकर खा लेंगे। दोनों पोटली को लेकर निकलने के लिए आगे बढ़ते ही है कि सुनील दादी अम्मा को शुक्रिया कहने के लिए पीछे घूमता है। वो क्या देखता है कि दादी अम्मा कहाँ गई, अभी तो यहीं थी, लड़कियाँ भी नहीं दिख रही है। विक्रम की नजर झूले पर पड़ती है जो कि यूं तो खाली होता है पर हवा में इस तरह झूल रहा होता है कि मानो उस पर कोई बैठा हुआ हो। ये झूला अपने आप कैसे हिल रहा है, यहाँ से चल जल्दी सुनील। दादी को ना पाकर सुनील वापस दरवाजे की ओर मुड़ता है और देखता है कि वो झूले वाली लड़की वहीं खड़ी रहती है। कहाँ जा रहे हो, जो एक बार यहाँ आता है दोबारा कभी नहीं जा पाता। वो लड़की ये बात कहकर ओझल हो जाती है। विक्रम और सुनील फौरन पार्क के बाहर आ जाते हैं। रास्ते में चलते चलते विक्रम को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पैरों को छू रहा हो। अरे सुनील लात मत मार यार, मैंने तो तुझे छुआ भी नहीं। विक्रम की नजर सुनील के हाथ में जो पोटली थी उस पर पड़ती है। वो क्या देखता है कि पोटली में से एक हाथ बाहर आ रहा है। हाथ को देखकर वो चीखता है, मैंने इस पोटली में से एक हाथ बाहर आते देखा। अरे बस यार विक्रम, हो गया बस, रात के 2-3 बज रहे हैं, एक तो पहले ही आज हम इतना लेट हो गए हैं, लगता है कि आज मकान मालिक हमें बाहर ही सुलाएगा, और एक तू है जो बेकार में बातें कर रहा है। अभी फिलहाल घर चलते हैं, मैं कल सुबह इस पोटली को कहीं दफनाऊंगा। सुनील और विक्रम घर पहुंचते हैं। उनके घर में घुसते ही अचानक बंद पंखा जोर जोर से हिलने लग जाता है। सुनील को ऐसा लगता है कि दरवाजे के कोने पर कोई खड़ा है। कौन है, कौन है वहाँ? सुनील लाइट ऑन करता है पर वहाँ कोई नहीं होता। आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बहुत रात हो गई है, हमें सोना चाहिए। दोनों की आंख लग जाती है। रात के लगभग 3 बज रहे होते हैं।
सुनील को जोर जोर से दरवाजा पटकने की आवाज आती है। वो चौंक कर उठता है। इतनी रात को इतनी जोर जोर से दरवाजा कौन पीट रहा है? सुनील दरवाजा खोलता है पर बाहर कोई नहीं होता। सुनील वापस अपने बिस्तर की ओर बढ़ता है तो देखता है कि जो लड़की उन लोगों को शमशान घाट पर मिली थी वो बिस्तर पर बैठकर पोटली में से कुछ खा रही है। ओ, बचाओ! सुनील की चीख सुनकर विक्रम की आंख खुल जाती है। क्या हुआ सुनील, तू चिल्लाया क्यों? बिस्तर पर। बिस्तर पर क्या, कुछ भी तो नहीं है बिस्तर पर। सुनील की चीख से मकान मालिक रोशन भी उठ जाता है और दौड़कर विक्रम और सुनील के कमरे में आता है। विक्रम और सुनील उसे सारी बातें बताते हैं। क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि वो एक भूतिया पार्क है? वहाँ तुम लोगों ने जो भी देखा वो सब एक छलावा था और तुम लोग उस छलावे में फंस गए। तुम लोगों ने इस पोटली को लाकर मौत को आमंत्रण दिया है। हमें जल्द से जल्द इस पोटली को यहाँ से हटाना होगा। तीनों मिलकर पोटली को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें पोटली कहीं नहीं दिखती। तीनों को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं तो पाते हैं कि पंखे के ऊपर चुड़ैल उस पोटली को लिए बैठी रहती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? चुड़ैल तो यहाँ तक आ गई। हमें चुड़ैल के हाथों से उस पोटली को लेना होगा। रोशन जल्दी से भागकर गंगा जल लेकर आता है और चुड़ैल पर डालता है जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है। उसके हाथ से पोटली गिर जाती है जिसे लेकर विक्रम भागता है। वो पोटली को खोलता है। कितनी बदबू आ रही है इस पोटली में से। विक्रम देखता है कि पोटली में मांस है। हे भगवान, ये तो मांस है। इसी के जरिए तो चुड़ैल तुम लोगों के साथ आ पाई। अब देर मत करो, फौरन इसे जला दो। विक्रम पोटली को जला देता है। पोटली के जलते ही चुड़ैल भी जलने लग जाती है। इस घटना के बाद सुनील कभी भी उस रास्ते फिर नहीं जाता।